आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आप सियोन टीवी चैनल पर हैं और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि आज रविवार के दिन प्रभु की आराधना के लिए स्थान पर हैं। और 6 अगस्त 2023 प्रभु ने मौका दिया हमें कि सियोन प्रेयर टावर में हमारे बीच में मौजूद रहे पास्टर बलविंदर बिट्टू जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज सर हमारे बीच में हम आपका स्वागत करते हैं सियोन प्रे टावर में होने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सर एक बड़े अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे कंपोजर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और गीतों को गाते भी हैं, बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं और साथ ही साथ एक बहुत सुंदर प्रचारक भी हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज कलीसिया ने आज खुदावन के वचन के द्वारा तो आशीष प्राप्त किया ही किया। आज सर ने लगभग एक घंटा सियोन प्रेयर टावर में आकर के आराधना की, लोगों ने परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में अनुभव किया। आज की ये तमाम वीडियोस और ये वचन आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे इसका लिंक रहेगा, वीडियो रहेंगी, आप जाकर के देखें और सुने, निश्चय आप आज के वचन से बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद कि आज हमने अपने जीवन के लिए सीखा किस प्रकार से एक मसीही जीवन में प्रार्थना का, वचन का और अभिषेक का कितना महत्व है। हालांकि ये जो आत्मिक, जो मसीही लोगों का आत्मिक युद्ध है, ये लगातार चलता रहता है और एक बहुत लंबा विषय, लेकिन खुदावन के दास ने बहुत शॉर्ट में उसे हमारे बीच में सुनाया। परमेश्वर में हमने बहुत आशीष को प्राप्त किया। सर हम जानकर चलेंगे कि प्रेयर टावर में आज आकर के आपको कैसा लगा, क्या विचार हैं सर आपके? प्रेयर टावर में जब भी हम आते हैं, मैं पहले भी कई बार यहाँ आया हूँ और परमेश्वर के दास से हमारे ताल्लुकात तकरीबन 26-27 साल से हैं। और जब परमेश्वर के दास ने सेवा को स्टार्ट किया और सबसे पहली सभा में मुझे आराधना का अवसर मिला, हम जलंधर से आए थे पूरी टीम के साथ और हमने परमेश्वर के दास को, उनकी सेवकाई को शुरू से ही बढ़ते हुए देखा और आज तक उन्नति करते हुए देखा है इस कलीसिया को, परमेश्वर के दास को। और रही अच्छा बात कि कैसा लगा, तो जितना अच्छा इधर आके लगता है उतना अच्छा कहीं भी जाकर नहीं लगता। एक तो प्रेम बहुत है परमेश्वर के दास में, खुदा की दासी में, उनके फैमिली में और सब लोग कलीसिया के, सब जो भी स्टाफ हैं बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, बहुत ही प्रेम दिखाते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। और खासियत बहुत ज़्यादा है इस चर्च में, इस सेवकाई में, लेकिन जो दो तीन मुख्य बातें वो मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि एक तो जो अनुशासन है इस चर्च में, ऐसा अनुशासन मैंने कहीं नहीं देखा। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इस चर्च में आकर देखने को हमें मिलता है। दूसरा जो मैनेजमेंट है परमेश्वर के दास की, परमेश्वर ने उनको एक अद्भुत बुद्धि से, समझ से भरा है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। और जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, कलीसिया है, और वो भी आज्ञाकारी है, क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट के लिए फिर आज्ञाकारी भी तो होनी चाहिए, लोग करें तो बहुत अच्छा समझाते हैं और लोग करते हैं, मैंने देखा। और इस बार मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, तकरीबन 10 साल बाद, लेकिन उससे पहले मैं कई बार आया हूँ परमेश्वर के दास से, हम मिलते रहते हैं, हमारे उधर आते हैं, हम भी आते हैं इधर। और जो अनुशासन है और मैनेजमेंट है और जो भी इधर आकर जो सभा है, जैसे आज बहुत अच्छी आराधना की आपकी टीम के द्वारा और बहुत म्यूजिशियन सब बहुत अच्छा बजा रहे थे, बहुत मज़ा आया आराधना करके। आज मुझे भी बहुत आनंद मिला, सब ने साथ दिया, सुबह से ऑल ओवर बहुत ही बेस्ट है, इससे अच्छा कोई और कुछ हो नहीं सकता। और मैं तो खुद परमेश्वर के दास से ये कह रहा था कि हमें भी सीखना है आपसे कि कैसे चर्च को मैनेज करते हैं, पेपर वर्क कैसे, पेपर वर्क पास्टर जी का इतना अच्छा कि उन्होंने दिखाया मुझे कि जब से सेवा स्टार्ट की है तब से वो सारी उनके पास रिकॉर्ड है लिखा हुआ, कोई भी किसी साल का भी, किसी महीने का भी रिकॉर्ड देख सकता है। और फिर आज मैंने और देखा कि परमेश्वर के दास एक तरस वाला हृदय रखते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं,
किसी कोई फीस नहीं दे सकता, वो उनके लिए फ़ीस का इंतज़ाम करते हैं, या कोई इलाज नहीं करवा सकता उसके लिए वो हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चर्च में खाना बनता है हर संडे, तो अपनी ओर से, चर्च की ओर से किया जाता है, सब लोग मिल के काम करते हैं, और सब लोग एंट्री से ही, बाहर से ही और लास्ट तक, मतलब मैंने देखा कि सब लोग अपना अपना काम ना बड़ा वफादारी से, जिम्मेवारी से कर रहे हैं, कहना नहीं पड़ रहा है। सर, क्या शुभकामनाएं रहेंगी, क्या प्रार्थना रहेगी प्रेयर टावर की आगे भविष्य के लिए? तो मेरी एक ही प्रार्थना है इस प्रेयर टावर के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, सारी के लिए, इससे के लिए कि मैंने इस सेवकाई को शुरू से उन्नत होते हुए देखा। हम बाइबल में पढ़ते ना कि जैसे जो पहली कलीसिया थी प्रेरितों के काम में, जब कलीसिया स्टार्ट, तो वो उन्नति कर रही थी कलीसिया लगातार, ये कलीसिया भी लगातार उन्नति कर रही है। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि आने वाले समय में ये कलीसिया और भी उन्नति करती जाए, परमेश्वर के दास ये सेवकाई और बढ़ती जाए। जब भी आते हैं तो इधर हम बढ़ता हुआ देखते हैं, ये प्रूफ है कि परमेश्वर इस प्रेयर टावर के साथ है, इस सेवकाई के साथ। हम दुआ करेंगे सबके लिए, और आज मैंने भी बहुत आशीष, मैंने बहुत कुछ सीखा, सिर्फ आराधना नहीं की, वचन नहीं सिखाया, लेकिन मैंने खुद बहुत कुछ सीखा, और मैं भी अपने चर्च में बहुत सारी चीज़ों को शुरू करूँगा, लागू करूँगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर समय समय पे हमें मौका देता है कि परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों से हम मिलें और उनसे बातचीत करें और आप तक हम पहुंच पाएं। आपने इस वीडियो को सुना, देखा, परमेश्वर निश्चय आपको बड़ी आशीष दें, बरकत दें। अगर आप सीओन टीवी चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, क्या मेन बातें आपको अच्छी लगती हैं, उन मुख्य बातों को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दें। जय मसीह की।